हम बात कर रहे हैं IEX की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में 1% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक जो है 143.35 पैसे पर हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। जब स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ था उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट कर सकता है, इसके पूरे चांस बन रहे। क्यों कहा था ऐसा हमने? क्योंकि हमने देखा स्टॉक में एक जंप आया था, स्टॉक 137.50 के लेवल से रिजेक्शन ले रहा था और एक रेंज में काम करता नज़र आ रहा था। बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा था। अगर गिरावट आती तो स्टॉक गिरावट दिखा जाता, सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता और इस लो को ब्रेक डाउन करके IEX हमको और गिरावट दिखा जाता। दूसरी चीज़ तो मार्केट में तेज़ी थी, लगातार मार्केट में तेज़ी थी, सारे स्टॉक में रिकवरी देखने के लिए मिल रही थी, तेज़ी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन IEX में हमको रिकवरी देखने के लिए नहीं मिल रही थी, एक ही जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था। तो इस अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट दे सकता है और इसके ब्रेकआउट के बाद हमने पहला टारगेट डिस्कस किया था। ब्रेकआउट के बाद पहला टारगेट 140 का लेवल और 140 को ब्रेकआउट करके स्टॉक 144 तक के टारगेट दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और हम देख सकते हैं स्टॉक ने 145 के टारगेट हमको दिखाया, हमारे दोनों टारगेट जो हमको हिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए, कहाँ तक के टारगेट और क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी कोशिश करते हैं कि हम सपोर्ट लेवल को और टारगेट को डिस्कस कर सकें। अगर गिरावट आती है तो आप इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 142.50 का लेवल, नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा गिरावट के साथ जहाँ स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, वन लिया था और बाउंस बैक हुआ था, 140 का लेवल, और तगड़े सपोर्ट का काम करेगा जिस लेवल को ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, 137.50 का लेवल। अब अगर यहाँ से टारगेट की बात करें तो हमको नज़र रखना इस रेंज पे 145 के लेवल पर। हम देख सकते हैं इससे पहले जब 145 के लेवल को ब्रेकआउट किया था हमको लगातार बड़ा जंप, बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी। हम देख सकते हैं कैंडल स्टिक पर कि जैसे ही स्टॉक ने 145 के रेंज को ब्रेकआउट किया था इससे पहले हमको बड़ा जंप देखने के लिए मिला था। 157.50 तक के टारगेट स्टॉक ने दिखाए थे, तो इस लेवल पर आप नज़र रखना है। जैसे 145 का लेवल ब्रेकआउट होगा अगला टारगेट बनेगा 148.150 का लेवल, 148.150 का लेवल, इसके ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट रहेगा और 150 के लेवल को ब्रेकआउट देकर IEX में अब हमको शॉर्ट टर्म में 154 से लेके 160 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।